Hello. So in the last episode, we have started this unit of chemistry of 12th standard, that is solutions. We have defined the term solution in that episode. Solution can be defined as a homogeneous mixture of two or more different substances whose composition can be changed within certain limit, that is the definition of solution. Solution is mixture, a pure substance nahi hai. Homogeneous mixture hai. Homogeneous ka matlab completely uniform. Ye mixture apne ko pura ek jaisa dikhai denga. Is mixture mein apne ko do ya do se zyada different physical parts dikhai nahi denge. And इसमें अपने को दो या दो से ज्यादा फेजेस दिखाई नहीं देंगे. ये पूरा मिक्सचर सिंगल फेज सिस्टम रहेगा. इस मिक्सचर का कंपोजिशन सब तरफ एक जैसा रहेगा. दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर एंड ए सोल्यूशन. और ये जो सोल्यूशन है इसका जो कंपोजिशन है, मतलब इसमें के जो सब्सटेंसेस के क्वांटिटीज कॉन्सेंट्रेशन है उनको अपन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर लिमिट है. सो सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट्स. मान लो अपन ने एक बीकर में वाटर लिया और इस वाटर में मान लो अपन ने थोड़ी सी केन शुगर सुक्रोज ये कंपाउंड ऐड किया, शेक किया, तो केन शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे. डिजॉल्व होने के बाद में वो केन शुगर अपने को दिखाई नहीं देंगे. केन शुगर और वाटर का अपने को मिक्सचर मिलेगा और ये मिक्सचर अपने को पूरा एक जैसा दिखाई देगा. इसमें के केन शुगर के पार्टिकल्स अपन माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते. इसमें को इसमें अपने को दो या दो से ज्यादा अलग अलग पार्ट दिखाई नहीं देंगे. पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई देगा, यूनिफॉर्म रहेगा. ये सिंगल फेज सिस्टम है और ये जो सिंगल फेज सिस्टम है इसको अपन कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. और ये होमोजीनियस मिक्सचर यानी केन शुगर का वाटर में का सॉल्यूशन. और ये जो मिक्सचर है इसका कंपोजिशन ये रहेगा, इसमें वाटर भी रहेगा, इसमें केन शुगर भी रहेगा. वाटर की कुछ क्वांटिटी रहेंगी, केन शुगर की भी कुछ क्वांटिटी रहेंगी. और इसका कंपोजिशन अपन चेंज कर सकते हैं विद इन सर्टन लिमिट्स. अगर इसमें अपन ने और केन शुगर की कुछ क्वांटिटी ऐड करके मिक्सचर को शेक किया तो वो भी केन शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे. फिर केन शुगर की क्वांटिटी उसमें बढ़ जाएंगी, उसका कंपोजिशन चेंज होगा. और केन शुगर ऐड किया तो वो भी डिजॉल्व होगी, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर लिमिट है. और वो लिमिट यानी केन शुगर की वाटर में की सॉल्युबिलिटी. एक स्टेज ऐसी आएंगी कि उसके बाद में अपन ने केन शुगर कितनी भी इसमें ऐड की तो भी वो डिजॉल्व होने वाली नहीं है. मतलब उसके बाद में केन शुगर की क्वांटिटी उसमें की अपन इंक्रीज नहीं कर सकते, उसका कंपोजिशन उसके बाद में अपन चेंज नहीं कर सकते. मतलब ये जो मिक्सचर है इसका अपन कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर लिमिट है. सो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट्स. अब सॉल्यूशन ये मिक्सचर है, इसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस रहेंगे, उनका होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा. और सॉल्यूशन में के जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस है उनको अपन नाम देंगे कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच
makeup solution will be called components of that solution. जैसे केन शुगर का वाटर में मान लो मैंने सॉल्यूशन तैयार किया तो इसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट है केन शुगर और दूसरा कंपोनेंट है वाटर. उसी सॉल्यूशन में मान लो मैंने ग्लूकोज ऐड किया तो ग्लूकोज भी केन शुगर के साथ में वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, उसका भी अपने को सॉल्यूशन मिलेगा. और जो सॉल्यूशन मिलेगा फिर उसमें तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, एक है केन शुगर, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा वाटर. उसमें मान लो अपने फ्रुक्टोज ऐड किया तो फ्रुक्टोज भी उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, अपने को सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन उस सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट है केन शुगर, दूसरा कंपोनेंट है ग्लूकोज, तीसरा कंपोनेंट है फ्रुक्टोज, चौथा कंपोनेंट है वाटर. तो कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर अगर अपन ने लिया तो उसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. अब सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है इसके बेसिस पर अपन सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन थे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है उसके बेसिस पर किया गया सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन. सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट्स है तो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन कंपोनेंट्स है तो दैट इज कॉल्ड ट्राइनरी सॉल्यूशन, चार अगर है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, पांच अगर है तो पेंटानरी सॉल्यूशन. इन दिस वे सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज बाइनरी, ट्राइनरी, क्वार्टरनरी, पेंटानरी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. मेनली अपने को इस चैप्टर में लेने के हैं बाइनरी सॉल्यूशंस. और ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे और इन दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को अपन जनरली नाम देते हैं सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट जो है उसको अपन जनरली नाम देते हैं सॉल्वेंट. अगर एक कंपोनेंट सॉलिड या गैसीयस है, दूसरा लिक्विड अगर है तो ये टर्म वहां पर अपने को यूज करनी थी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जैसे केन शुगर का वाटर में था सॉल्यूशन, इसमें केन शुगर ये सॉल्यूट है, वाटर ये सॉल्वेंट है. ग्लूकोज का वाटर में का बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें ग्लूकोज ये सॉल्यूट है और वाटर ये सॉल्वेंट है. सो बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन में का जो माइनर कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी कम है वो माइनर कंपोनेंट है सॉल्यूट और जो मेजर कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट. सो माइनर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जैसे केन शुगर का वाटर में का सॉल्यूशन, इसमें केन शुगर है माइनर कंपोनेंट है सॉल्यूट है और वाटर है मेजर कंपोनेंट है दैट इज सॉल्वेंट. तो ये होगा सॉल्यूशन का पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट. सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, पेंटानरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन. और बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन का दूसरा क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन है. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, सॉल्यूशन में की क्वांटिटी सॉल्यूट की कम है या ज्यादा है, इसके बेसिस पर अपन सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर यह आधारित क्लासिफिकेशन है. इन दिस केस सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है
super saturated solution. Solutions can be classified as dilute solution, concentrated solution, saturated solution, unsaturated solution, and super saturated solution, depending upon the concentration of the solution, depending upon the quantity of the solute present in solution. अगर आप कभी लेबोरेटरी में गए होंगे या जाएंगे या जाने की पॉसिबिलिटी है तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अगर आप गए तो आपको दिखाई देगा कि कुछ बॉटल पर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ रहता और कुछ बॉटल पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखा हुआ रहता है. HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और DIL का मतलब डाइल्यूट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब डाइल्यूट HCl यानी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी क्या, यहाँ पर HCl ये सॉल्यूट है और वाटर ये सॉल्वेंट है. वैसे HCl एक गैसियस है, HCl जो कंपाउंड है ये कंपाउंड गैसियस है. जो लेबोरेटरी में अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं जनरली, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का वाटर में का सॉल्यूशन देता और जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर में का सॉल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, जिसमें HCl की क्वांटिटी कम रहती, डिजॉल्व क्वांटिटी कम रहती, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट HCl. और जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में HCl की क्वांटिटी ज्यादा रहती, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. जनरली लेबोरेटरी में जो डाइल्यूट HCl रहता है उसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी क्या, इसके बाद में अपने को लेने का है. कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने की एक मेथड है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ये जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन रहता है इसकी मोलैरिटी 4 रहती, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन रहता है इसकी मोलैरिटी 12 रहती. तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जिसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कम है, अब कम की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. और जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज्यादा है, नॉर्मेलिटी ज्यादा है, जिस सॉल्यूशन में की सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सल्फ्यूरिक एसिड की भी दो प्रकार की बॉटल रहती केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड. तो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मोलैरिटी ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा डिजॉल्व की हुई है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब तीसरे टाइप का सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर अपन ने सॉल्वेंट लिया और इसमें सॉल्यूट ऐड करते गए तो सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस स्टेज के बाद में सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व नहीं होंगी, अनडिजॉल्व रहेंगी. उस वक्त सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम रहेंगी, और वो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसकी सॉल्युबिलिटी, उससे ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व नहीं होंगी, और उस वक्त जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट इक्वल टू इट्स solubility and no more quantity of the solute can be dissolved in it further, that solution is called saturated solution. हर एक सोल्यूट की सॉल्वेंट में की एक पर्टिकुलर सोलिबिलिटी रहती, यानी ज्यादा से ज्यादा उतनी ही क्वांटिटी सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो सकती है, उससे ज्यादा क्वांटिटी एड भी की तो भी डिजॉल्व नहीं होती. और सॉल्यूट की सॉल्वेंट में जितनी सॉल्युबिलिटी है उतनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी अगर अपन ने सॉल्वेंट में डिजॉल्व की तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
लेकिन इसमें की सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहेंगी या ज्यादा रहेंगी वो सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड है. सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा. सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होने के बावजूद भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा. सॉल्यूशन उस केस में डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा. एक एग्जांपल अपन कंसीडर करेंगे समझने के लिए. बेरियम सल्फेट BaSO4 एक क्रिस्टलाइन कंपोनेंट सॉलिड है. वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है. इसके वाटर में की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है. सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज गिवन एज 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसका मतलब यह होता है कि एक लीटर अगर अपने वाटर में वाटर दिया तो एक लीटर वाटर में बेरियम सल्फेट के ज्यादा से ज्यादा 1 × 10⁻⁵ मोल्स डिजॉल्व हो सकते हैं. 1 × 10⁻⁵ कैन बी रिटन एज 0.00001. बेरियम सल्फेट के ज्यादा से ज्यादा इतने मोल्स एक लीटर वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस. इससे ज्यादा अगर अपने बेरियम सल्फेट वाटर में ऐड किया एक लीटर वाटर में तो वो जैसे है वैसे रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा. और बेरियम सल्फेट के इतने मोल्स अगर अपने एक लीटर वाटर में डिजॉल्व किए एट 25 डिग्री सेल्सियस तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को अपन कहेंगे बेरियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी एंड नो मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और जैसे ये जो बेरियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर. ये उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन. और इससे कम अगर अपन ने बेरियम सल्फेट की क्वांटिटी इससे भी कम क्वांटिटी बेरियम सल्फेट की अगर अपन ने वाटर में डिजॉल्व की तो वो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम रहेगी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. और उससे कम क्वांटिटी अगर अपन ने सॉल्वेंट में डिसॉल्व की तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है. उसको अपन कहेंगे उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज सॉल्यूशन कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे एक लीटर वाटर में अगर अपन ने बेरियम सल्फेट के इससे भी कम मोल ऐड किए तो डिसॉल्व हो जाएंगे पूरे, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन है उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इतने मोल ऐड किए तो इतने मोल भी डिसॉल्व हो जाएंगे. जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और इससे ज्यादा मोल अगर अपन ने वाटर में ऐड किए तो उसमें से सिर्फ इतने मोल डिसॉल्व होंगे, बाकी के नंबर ऑफ मोल्स बाकी की क्वांटिटी बेरियम सल्फेट की अनडिसॉल्व रहेंगी, वो नीचे सेटल हो जाएंगी. सो सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड कैन बी क्लासिफाइड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा रहता. और इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रहती इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी उसके सॉल्युबिलिटी से कम रहती और डाइल्यूट भी हो सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है. अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये मेटास्टेबल सॉल्यूशन है. ये स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है. जब कभी भी सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, जब कभी भी सॉल्यूट की क्वांटिटी उसके सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो जाएंगे तब वो ज्यादा की क्वांटिटी सॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए सुपर सैचुरेटेड होगा, लेकिन वो ज्यादा की क्वांटिटी सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगे.
अब इसका एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए मान लिया अपन ने बेरियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन लिया और उसमें H2SO4 का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड किया तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी बेरियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद H2SO4 एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड वाटर BaSO4 प्लस ट्वाइस H2O इन दोनों का सॉल्यूशन मान लो अपन ने मिक्सअप किया और इन दोनों के मिक्सचर का वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है तो बेरियम सल्फेट भी 1 लीटर सॉल्यूशन में फॉर्म होगा और बेरियम सल्फेट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते जाएंगी और जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1×10⁻¹ मोल पर लीटर होगा तब वो बेरियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा और उसके बाद में और भी अगर बेरियम सल्फेट की क्वांटिटी फॉर्म होती है तो वो सॉल्यूशन बेरियम सल्फेट के लिए सुपर सैचुरेटेड होगा और जैसे ही बेरियम सल्फेट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में की इससे ज़्यादा हो जाएंगी वो ज़्यादा की क्वांटिटी सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएंगी यानी उसका प्रेसिपिटेशन होगा तो ध्यान में रखना यह बात कि जब भी सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है तब ज़्यादा की क्वांटिटी सॉल्यूट की सॉल्यूशन में से बाहर आ जाती दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ये होगा सेकंड क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब तीसरा क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट कौन सा है उसके बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन अपन ने कौन से सॉल्वेंट में प्रिपेयर किया हुआ है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया है। हर बार सॉल्वेंट वाटर ही रहना चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अगर अपन ने सॉल्यूशन वाटर में तैयार किया है तो उस सॉल्यूशन को अपन कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वा ये ग्रीक वर्ड है एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा यानी वाटर और एक्वियस यानी वाटर में तैयार किया गया सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट प्रिपेयर्ड इन वाटर ही इज नोन एज एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे बेरियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन केन शुगर का एक्वियस सॉल्यूशन ग्लूकोज का एक्वियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन अपन ने अल्कोहल में तैयार किया है इसको अपन कहेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। जैसे HCl का अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन ऑफ HCl प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल। HCl का एक्वियस सॉल्यूशन मतलब HCl का वाटर में तैयार किया गया सॉल्यूशन। वाटर ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अल्कोहल ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन अगर अपन ने ईथर में तैयार किया है तो दैट इज कॉल्ड इथीरियल सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पर से नाम दिए हैं स्पेशल नाम है बाकी सॉल्वेंट अगर बेंजीन रहा तो बेंजीन ही लिखना पड़ेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड रहा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ही लिखना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन ईथर इज नोन एज इथीरियल सॉल्यूशन। यह होगा तीसरा क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का विच इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन physical states of solute and solvent या components of the solution। solution में के जो components है वो कौन से physical state में है solid state में है या liquid state में है या gaseous state में है इसके basis पर किया गया solution का ये classification है। जैसे अपन ने example लिया है
aqueous solution of cane sugar, that is solution of cane sugar prepared in water. यहाँ पर cane sugar ये solute है और water ये solvent है. Cane sugar यानी sucrose, यानी जो sugar अपन domestic purposes के लिए use करते हैं चाय कॉफी वगैरह बनाने के लिए. और ये जो cane sugar है ये organic compound है. इसका molecular formula है C12H22O11. मान लिया अपने केन शुगर का वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया है, पर केन शुगर है सॉल्यूट है, वाटर है सॉल्वेंट है. और ये जो केन शुगर है सॉल्यूट, इसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड. और ये जो सॉल्वेंट है वाटर, इसकी फिजिकल स्टेट है यहाँ पर लिक्विड. इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें का सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है और इसमें का जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड स्टेट में है. अब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि सॉल्यूशन में का सॉल्यूट हर बार सॉलिड ही रहना चाहिए और सॉल्वेंट हर बार लिक्विड ही रहना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है. सॉल्यूट कोई भी फिजिकल स्टेट में अपन ले सकते हैं. सॉल्यूट कैन बी टेकन इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. सॉल्वेंट भी अपन कोई भी स्टेट में ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट. अपन बाइनरी सॉल्यूशन ही ले रहे हैं पर यहाँ पर अपन टर्म यूज करेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट अपन सॉलिड स्टेट में भी ले सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी ले सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी ले सकते हैं. उसी प्रकार से सॉल्वेंट अपन सॉलिड स्टेट में भी ले सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी ले सकते हैं या गैसियस स्टेट में भी ले सकते हैं. सिर्फ उनका जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस होना चाहिए, बिकॉज सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स. तो सॉल्यूट कैन बी टेकन इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट. सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी टेकन इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर एंड ए सॉल्यूशन. अब इसके लिए तीन फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, इनके लिए तीन फिजिकल स्टेट पॉसिबल है. तो इन दोनों के नाइन नाइन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एंड नाइन टाइप के सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. अब कैसे? वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड. ये हो गए तीन प्रकार के सॉल्यूशन. सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन और गैस और गैसियस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. इन तीनों में सॉल्वेंट अपन ने सॉलिड रखा है और सॉल्यूट चेंज किया है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. ये हो गए तीन टाइप के सॉल्यूशन. अब दूसरा कॉम्बिनेशन अपन लेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉरी सॉल्यूशन अब सॉल्यूट अपन चेंज करेंगे लिक्विड, सॉरी अपन सॉल्वेंट अभी चेंज करेंगे. सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड था, यहाँ पर अभी अपन सॉल्वेंट लेंगे लिक्विड. सॉलिड का लिक्विड में का सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में का सॉल्यूशन और गैस का लिक्विड में का सॉल्यूशन. ये हो गए सॉल्यूशन के और तीन टाइप्स. अब अपन सॉल्वेंट चेंज करेंगे. अब सॉल्वेंट लेंगे अपन गैसियस या गैस. अब यहां पर भी तीन पॉसिबिलिटीज है, सॉलिड का गैस में का सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में का सॉल्यूशन और गैस का गैस में का सॉल्यूशन. गैसियस या स्टेट का नाम है, सब्सटेंस का नाम गैस रहेगा. तो सॉलिड का गैस में का सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में का सॉल्यूशन, गैस का गैस में का सॉल्यूशन, ये भी हो गए तीन टाइप्स. टोटल नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. सो सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू नाइन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. नाइन टाइप्स आर देयर. अब ये जो पहले तीन टाइप है, सॉलिड का सॉलिड में का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में का सॉल्यूशन और गैस का
सॉलिड में का सॉल्यूशन, इन तीनों में सॉल्वेंट सॉलिड ही है, तो इन तीनों सॉल्यूशन को अपन इन जनरल कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन सॉलिड एज सॉल्वेंट। और ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस है इसके भी तीन टाइप्स है, सॉलिड का सॉलिड में का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में का सॉल्यूशन और गैस का सॉलिड में का सॉल्यूशन। अब दूसरा टाइप, सॉलिड का लिक्विड में का सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में का सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में का सॉल्यूशन, इन तीनों में सॉल्वेंट कॉमन है दैट इज लिक्विड। और लिक्विड में तैयार किया गया जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशंस है दे आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड इन लिक्विड एज सॉल्वेंट। और इसके भी तीन टाइप्स है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। उसके बाद में और तीसरे तीन टाइप्स, सॉलिड का गैस में का सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में का सॉल्यूशन और गैस में का सॉल्यूशन, इन तीनों में सॉल्वेंट गैसियस है। तो ये जो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें गैस है सॉल्वेंट करके बिहेव करेंगे और सॉल्यूट सॉल्वेंट भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। इसके भी तीन टाइप्स, इसके भी तीन टाइप्स, सॉल्यूट इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। सो सॉल्यूशंस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा, सॉल्यूट अपन चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसियस। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, सॉल्यूट अपन चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसियस। और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कभी भी गैसियस ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट अपन चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसियस। ऐसे मेनली तीन टाइप्स है, हर एक के तीन तीन टाइप्स है, टोटल नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। और ये जो सॉल्यूशन के नाइन टाइप्स है, ये नाइन टाइप्स और इसके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स अपने को ध्यान में रखने के हैं, या सिर्फ इसके लिए उसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, एक टेबल ही दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का, वो टेबल आपको ध्यान में रखना है, कौन सा सॉल्यूशन इन नाइन में से कौन से टाइप का है, इसमें का सॉल्यूट कौन सा है, इसमें का सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी है, वो टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो टेबल सभी बुक्स में वगैरह दिया है, वो टेबल भी अपन अगले एपिसोड में देंगे।